गीत आया था कि मोतियों कजरा लगा के कजरा सजा के कब से खड़ी है कजरा, अरे कजरा लगा के कजरा सजा के कब से खड़ी है श्री विराजमान है। ये भारतीय नारी प्रधान देश है, हमारा कर्तव्य हमारा दायित्व है, हमारा फर्ज है, हम नारियों का सम्मान क्या करते हैं और सभी करते हैं। राखी जी सुनिएगा, आप भी एक नारी हैं, मैं कितना सम्मान नारियों का करता हूं। सुनिए कि सतियों में एक सती है ये, और सृष्टि की सतगति है ये, रतियों में रति है ये, रतियों में रति है ये, तो दुर्गावती है, जय हो जय हो, और पद्मावती है, ये दुर्गावती है, पद्मावती है, मायावती है, हर सृष्टि सदगति है, सतियों में एक सती है ये, रतियों में रती है ये, रतियों में रती है ये, तो दुर्गावती है और पद्मावती, हाँ दुर्गावती है, पद्मावती है, मायावती है, राष्ट्रपति है ये, सत्य है ये, सत्यवती है ये, और श्रीमान की श्रीमती है ये, रतियों में रति है ये, दुर्गावती है, पद्मावती है, मायावती है, राखी जी कि भारत
की संस्कृति है ये, जय हो भारत की संस्कृति है ये, तो दुर्गावती है, पद्मावती है, मायावती है, आशीर्वाद आया है। हर्ष आध्या यादव, हर्षता यादव तारापुर, उनकी ओर से ये बहुमूल आशीर्वाद आया है। बहुत बहुत धन्यवाद है। ये सभी जानते हैं कि तीर्थों का राजा प्रयागराज है। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी भावनाओं में कदर करता हूँ और पुनः आवंटित करता हूँ। बड़ा सुंदर कार्यक्रम, बढ़िया। अभी सरगम जी की ओर से चल रहा था और क्या, और भैया ने कहा है क्या, क्या कहा, जब मैंने आपका जवाब दिया मैंने कहा कि सजनी पत्नी घरवाली तो है असली और नकली घरवाला। आपको उस बात में शंका हुई, आपने कहा राखी जी पराए पुरुष को स्पर्श करते ही पत्नी को पता चल जाता है ये पुरुष जो है असली है कि नकली है। ओफो, बहुत जानकार हैं आप। तो फिर उनको पता कैसे नहीं चला, वो तो सती थी। अच्छा, अरे भैया जब पता चला तभी तो उन्होंने कहा है। भैया माइक कैसे बोल रहे, थोड़ी सीटी देखे रहे। जब उनको पता चल गया तभी तो उन्होंने कहा है और क्या। लेकिन कुछ नहीं, आपको केवल टोकने के लिए टोकना है और क्या। टोकते रहो, टोकते रहिए। और जो मैंने टुकड़ा गाया था मैंने कहा था क्या, क्या कहा था, कि लागी रहा दोनों से करार होएगा। भैया इसमें हम आपसे थोड़ी शिकायत करेंगे,
जल्दी बताओ इस कटपीस में आपने मेहनत नहीं करवाई ना। तीन तीन राइटर बैठे फिर भी मेहनत नहीं होगी। इस कटपीस में आपने एक लाइन की मेहनत नहीं करवाई है ना। और अच्छा आप क्या समझ रहे हैं ये कटपीस मैंने सुना नहीं है। अच्छा अच्छा जो आपने मेरे गाने का जवाब दिया है अरे ये सवाल के रूप में हमारे भैया सुशील दिनकर जी भी गाते हैं और वो रंजीत भैया भी गाते हैं। अच्छा आप नहीं सुशील भैया ने भी गाया था भूखी तू कितना सोमवार रहलू। ये तो कोई बात नहीं हुई और सवाल का जवाब सवाल थोड़ी होता है ना गंदी बात। सवाल का जवाब सवाल नहीं होता है। अब आपने तो वही मिसाइल कायम कर दी। हम लोग जब उधर से आए तो हमने कहा भैया तारापुर जाना है कहाँ से जाएंगे। रास्ते में सुनील भैया मिल गए। हमने कहा भैया सुनील भैया तारापुर जाना है कहाँ से जाएंगे। ये भी पूछ रहे तारापुर कहाँ से जाएंगे। सवाल का जवाब सवाल थोड़ी होता है ना। कम से कम एक आध लाइन की तो आपको मेहनत करवानी चाहिए थी। और क्या तभी तो है। अच्छा हिम्मत सिंह चौहान जी आता ना जाता चुनाव चिन्ह छाता। ओहो जय हो भारत माता। अच्छा अच्छा भैया हमारे एडवोकेट साहब हैं पंकज कुमार शर्मा जी तारापुर से और आपने लिखा है महोदय जी किसी की नकल करना आसान है और अर्थ अलंकार में बताना मुश्किल है। नकल तो होती है पर बराबरी कभी नहीं होती। ये भैया की तरफ से 50 मुद्राओं का आशीर्वाद आया है। बहुत बहुत धन्यवाद है मेरी ओर से। चलिए कह ठीक है हम फिर भी कुछ नहीं कहेंगे आपसे। कुछ ना कहो संतोष करो। टुकड़ा आया है क्या क्या आया। रूठे रब को मनाना आसान है रूठे यार को मनाना मुश्किल है। और क्या ये काया बड़ी मुश्किल से मिलती है तो ये काया मिटाना आसान है ये काया बनाना मुश्किल है। तन तन का मैल धो लेना आसान है मन का मैल धो पाना मुश्किल है। भैया आप केवल कलयुग के चक्कर में पड़े रहे बस। बाकी जो मेरे गीत में कथाएं चल रही थी उनका तो आपने ध्यान ही नहीं दिया। आप ध्यान नहीं दे पाए उनको। पूरा मंडल चाय पी रहा। कि घर भगवान के जा पाना आसान है ऐसे आओ घर भगवान के घर भगवान के तो जाना आसान घर भगवान को बुलाना मुश्किल है। गोद भगवान को उठाना आसान है गोद भगवान को गोद भगवान को उठाना आसान है उनकी गोद में मर जाना लगता है पेमेंट खतरे में है। लेकिन खैर कोई बात नहीं हम क्या कह देंगे आपसे हम कुछ ना कहो चुप रहो चुप ही रहेंगे बस बस कि जियो जियो लल्ला मोहल्ला तुम्हारा है।